Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Alexis & Company. I'm from UPGS Dehradun School of Law. So in last video we were discussing about this history of all the Article 356 Indian Constitution kaise aaya, and then we also started with the SR Bumai case. So I told you ki SR Bumai ki jo Janata Dal party thi wo minority mein thi in 1988. तो प्रेसिडेंट रूल लगा के हटा दिया गया. उसके बाद उनको टाइम दिया गया जब जो गवर्नर थे उस टाइम के पी वेंकटा सुभाई, उन्होंने उनको वो भी लिखा, लेटर भी लिखा कि उनको जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी है, मतलब माइनॉरिटी नहीं है. मैंने आपको बताया कि जो पार्टी थी कुछ गवर्नर्स और MLAs चले गए थे, कुछ दूसरी पार्टीज में डिस्पर्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था जिस वजह से उनकी पार्टी माइनॉरिटी में आ गई. तो जो लेटर लिखने के बाद भी जो उस टाइम का गवर्नर था पी वेंकटा सुभाई, ही रिफ्यूज टू गिव द बोमाई एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हिज मेजॉरिटी ऑल्सो इन द असेंबली डिस्पाइट द लेटर प्रेजेंटिंग हिम विद द कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द जनता लेजिस्लेचर पार्टी. ठीक है, ये सब हुआ, फिर भी उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला ये बताने के लिए कि मेजॉरिटी है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि बाद में फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे और फिर आपकी पार्टी बनवाएंगे, ये दूसरी पार्टी बनवा देंगे, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपोजिशन को हटाना था उस टाइम पे. तो फिर क्या हुआ कि जो SR Bumai थे वो कर्नाटका हाईकोर्ट गए. ठीक है, वहाँ पे लेकिन क्या हुआ कि जो आर्टिकल 356 लगा था उसको भी अपील कर दिया गया, एंड उनके बाद मतलब उनका जो रिट थी बेसिकली वो डिसमिस कर दी इन ग्राउंड्स पे कि जब आर्टिकल 356 लग ही गया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट का एक रूल है, तो उस चीज़ में कुछ हो नहीं सकता आगे जाकर कि जो अगर प्रेसिडेंट रूल आ ही गया है तो इसमें हाईकोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, बेसिकली ये कहा गया था इसकी. फिर SR Bumai गए सुप्रीम कोर्ट में, केस बहुत लंबा चला करीबन 5 साल तक. ठीक है, और उसके बाद इस केस की फाइनल जो हुई थी वो हियरिंग हुई, क्योंकि क्या हुआ ड्यूरिंग 1989-1991 इन टाइम पे बहुत सारी देश भर में ऐसी कॉलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी. ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लगा के इनको हटा दिया जा रहा था, बार बार मिसयूज़ हो रहा था प्रॉपरली, तो इस वजह से फाइनली इस केस को हियरिंग पे लिया गया. और इसके साथ साथ ही VP नरसिम्हा ने जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ उसके साथ साथ ही 3 स्टेट की गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल, पूरे डिसॉल्व कर दी थी उन्होंने. और कुछ ऐसे ग्राउंड्स नहीं दिए गए उस टाइम इन जो स्टेट्स थे इन पे BJP थी, तो कि सिंपली बस ये बोला गया कि आपकी स्टेट में काफ़ी रायट्स हो रहे हैं, बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बस इन बेसिस पे हटा दिया गया. और डिमोलिशन के बाद वो गवर्नमेंट है वो तभी आ सकती है जब फ्रेश इलेक्शंस होंगे, अदरवाइज वैसे नहीं आ सकती है कोई भी गवर्नमेंट. तो नई गवर्नमेंट ही आएगी नए इलेक्शन के साथ, जिसमें बहुत खर्चा होता था बार बार ऐसे, लाइक 5 साल में इतना खर्चा होता है तो बार बार करने में बहुत खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का भी, तो ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं. और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी ट्रेजरी से निकलने वाला पैसा बहुत खर्च होता है इसकी वजह से. तो फाइनली जजमेंट आई कुछ 1994-11 मार्च को, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो ये डिसमिसल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब 9 जजेस की बेंच बैठाई गई थी उस टाइम पे, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा. द वर्डिक्ट कंक्लूडेड दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है, एंड वर्डिक्ट ऑल्सो सेड दैट द प्रेसिडेंट शुड एक्सरसाइज द पावर ओनली आफ्टर हिज प्रोक्लेमेशन. ठीक है, इम्पोजिंग हिज और हर रूल इज अप्रूव आफ्टर इट इज़ अप्रूव बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. टिल देन द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय सस्पेंडिंग द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली. और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसे ग्राउंड्स आ गए हैं जहाँ पर सस्पेंड करना ज़रूरी है, तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो असेंबली जो है वो सस्पेंडेड एलिनेशन में रखी जाएगी, डिसोल्यूशन नहीं होगा, और जो साइड बाय साइड की गवर्नमेंट्स हैं उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की प्रॉपर मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी पार्टीज फॉर्म कर सकती हैं, प्रॉपर ऐसे गाइडलाइंस दी गई. ठीक है, तो और इसके बाद इसमें जो है आर्टिकल 356 में ये भी देखा होगा कि जो स्टेट मशीनरी है उसका जो डिसोल्यूशन है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो कोर्ट ने इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे से पूरा एनालिसिस किया था इस केस के अंदर.
इसके बाद आप जैसे सबको पता है कि आर्टिकल 365 पे काफ़ी पैसे लगा दिया गया कि ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसे यूज़ होता था, कुछ भी ऐसे ढंग के ग्राउंड्स नहीं थे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ दिस वीडियो. थैंक यू.